सीरियल नमक इश्क की बात करें तो शो के अपकमिंग एपिसोड में आप कई धमाके देखने वाले हैं, जहां फिलहाल आप देख रहे हैं कि कहानी के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। कहानी घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन यहां पर एक बार फिर से कहानी उसी घर में रह जाती है, क्योंकि युग नहीं जाता है। युग जानता है कि अगर कहानी गई तो रौनक भैया फिर से शुरू हो जाएंगे। अब आपको बताते चले कि अब सोमवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक बड़ा धमाका, क्योंकि कहानी को मिलने वाले हैं रानी और लकी। जी हाँ, रानी और लकी मिलने वाले हैं, और इस बार ये कमाल कोई और नहीं बल्कि युग करने वाला है। युग और कहानी एक बार फिर से भगवान के मंदिर में जाएंगे, जहां ये देखा जाएगा कि दोनों के गले में माला है। वो दोनों दर्शन कर और यहाँ पर कहानी अपने भाइयों से मिलकर वापस लौटेगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर जब वो दोनों घर लौटते हैं तो यहाँ पर खूब तमाशा होता है, क्योंकि दोनों को इस तरीके से देखते देखकर ईरावती बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी गुंजन के आंखों से बहुत आंसू बह चुके हैं, लेकिन अब नहीं। और फिर दोनों के गले से माला निकाल कर तोड़कर फेंक देती है, और साथ ही साथ धमकी देती है ईरावती कहानी को कि मैं दो चार पन्ने तुम्हारी कहानी से और कम कर सकती हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। आपको बताते चले कि यहाँ पर युग जो है कुछ ना कुछ ऐसा कमाल किया है जिससे कि रानी और लक्की जो है कहानी के पास आ गए। कहानी उससे मिल चुकी है और वो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर ये बात अभी सामने नहीं आई है कि कहानी ने क्या ये भी सच बता दिया है कि वही उसकी बचपन की दोस्त है। बल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सोमवार का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 33 न्यूज़।